अरे बाप रे बाप, इतने सारे बर्तन, ये सब तो रेनू को साफ करने पड़ेंगे। बेचारी कितनी मेहनत करती है। अच्छा आज उसका अलार्म बदल दिया मैंने, आराम से चैन से सोएगी थोड़ी देर। और यार अगर उसके उठने से पहले मैं नाश्ता बना लूं तो कितना अच्छा लगेगा ना। लेकिन नाश्ते में बनाऊं क्या, आलू पूरी की सब्जी। बाद में उठाता हूं। सर सिटी सात बज गए। पापा जी, हे भगवान, आइए आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो बताइए, आप सुबह सुबह किचन में कर क्या रहे थे? नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था मैं। मैं सोचा आज मैं ही बनाता हूँ नाश्ता। का है जे? हमारा अलार्म किसने बदला? और जे जे का कर दिया है आपने? पूरी रसोई फैला दी आपने, सारा काम बढ़ा के रख दिया। तो अलार्म तो मैंने ही बदला था, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए बदला था। है? मुझे लगा कि तुम्हें भी लेट तक सोने का कभी तो मौका मिलना चाहिए। मैं किचन में हाथ बटा देता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि काम ही बिगड़ जाएगा। How sweet, पापा जी। पर ये तो बताइए, बना क्या रहे थे? भाई निकला तो मैं आलू पूरी बनाने के लिए था, लेकिन मुझे लगता है मैं कहीं और ही पहुंच गया। Clearly. हाँ हाँ, किसने कहा था आपसे जी औरतों के काम करने के लिए? गिर गए, हड्डी वड्डी टूट जाती तो? ऐसे कैसे हड्डी वड्डी टूट जाती, रोज कसरत करता हूँ मैं, हड्डी वड्डी नहीं टूटेगी मेरी कभी। क्यों ना भैया? बिल्कुल सही बात है, आई एग्री। अच्छा चढ़ा लो चढ़ा लो, तुम भी अपने पापा जी को चढ़ा लो। तुम्हें कुछ बदबू नहीं आ रही? ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कहीं कुछ जल रहा है? आ रही है, जलने की स्मेल तो मुझे भी आ रही है पापा जी। आ रही है। जल रहा है कोई। हो गया। अब जाइए, जाके कपड़े बदल लीजिए, चाय नाश्ता हम ही बना के लाते हैं। जाइए। और एक मिनट, मम्मी ने पापा से पैसों के बारे में बात नहीं करी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब जाइए। कितने क्यूट लग रहे थे ना पापा जी। हाँ यहाँ खड़े खड़े हंसका रही हो, तुम्हें देर ना हो रही स्कूल जाने में? पीटी मास्टर नहीं? आप भूल गई माँ, मेरी 3 दिन की लीव है, छुट्टी है। अच्छा तो फिर चलो रसोई साफ कराओ। यस मैम। I
लीजिए लीजिए आपकी चाय, हम आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के लाते। अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ। अरे बैठो मेरे पास। अरे छोड़िए हमें। हाँ, आज से हर रोज सुबह चाय तुम मेरे साथ बैठ कर पियोगी। अच्छा, अब आप हमारी नई दिनचर्या बनाने वाले? अगर घर की गृहिणी सुबह सुबह चाय पीने बैठ जाए ना, तो सारा दिन घर बिखरा रहता है। जाने दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पत्नी पति की वामांगी होती है तो उस तरह तो पति एक पत्नी का दायांगी हो। अब बायां और दाएं अगर मिलके काम करेंगे कोई भी काम, तो वो जल्दी होगा, है नहीं? इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि हमारी गृहस्थी आज से ऐसी ही चलेगी, दो पहियों पर। ना मैं कभी अकेला रहूंगा, ना कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, और खासकर अब जब तुम मां बनने जा रही हो। अगर इतनी चिंता है आपको अपने बच्चे की, तो फिर एक वादा कीजिए हमसे, इस होने वाले बच्चे के साथ साथ आप उस बच्चे का भी पूरा ख्याल रखेंगे जिसे हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। आदि नया कारोबार शुरू करना चाहता है और उसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वसंत का महीना चल रहा है, इसलिए पापा के कहने पे हम सब ने डिसाइड किया है कि इस बार वसंत उत्सव हम सब आपके साथ मिलकर मनाएंगे। और कृष्ण जी की पूजा के साथ साथ बसंत का ये त्योहार केवल इस घर की खुशियां नहीं लाया, वरन पूरे मोहल्ले के लिए बहुत खुशियां लाएगा, मुझे सब पता है। बेशक, बिल्कुल सही बात है। अब इतने दिनों के बाद घर में खुशियां आई है, तो हम लोगों ने सोचा ये खुशियों के जो पल है सब साथ में बांटते हैं। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, खुशियां तो बांटने से ही बढ़ती है। बिल्कुल सही, करेक्ट। और अगर ऐसे ही बात है तो तैयारी की पूरी जिम्मेदारी मेरी, आप दोनों जाइए, तैयार हो जाइए फटाफट। अरे उससे पहले हम जाते हैं, जाके प्रसाद के लिए खीर बना लेते हैं और पीले चावल भी, ठीक है? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप पीली साड़ी पहन के सुंदर लगेंगी और पापा जी पीला कुर्ता और धोती पहन के हैंडसम लगेंगे, बस। राइट बेबी, चलो। अरे आइए आइए, नव्या लेकिन सारे तैयार हो जाइए, आइए आइए। यहाँ मैं पैसे पैसे के लिए तरस रहा हूँ और इन लोगों को आए दिन नई नौटंकी सूझती है। अरे जानक, वहां कहाँ जा रहे? चल। अरे सुना कहाँ गया? नहीं करने जा रही थी, रेनू नहीं पहनने जा रही धोती, और वैसे भी अगर पाँव अटक गया ना मेरा धोती में और मैं सबके सामने गिर गया तो बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं पजामा पहन लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे तिवारी जी, ऐसी गांठ बांधेंगे कि इसके दुश्मन भी ना खोल पाए।
हो गया। वैसे एक बात कहे तिवारी जी, धोती बड़ी जचती है आप पे। या फिर यूं कहें कि हम बड़े जचते हैं धोती में। तो हमारी बीवी तो है ही कमाल, मिट्टी को भी हाथ लगाए ना तो सोना बन जाती है। देर हो रही है। अरे ऐसे कहां जा रही हो, मुंह दिखाई तो लेती जाओ। मुंह दिखाई? खोल के देखो। नव्या, मैं चेंज करके आता हूँ। चेक आ गया यार, चेक आ गया। ओ गॉड, चेक कहीं गिर तो नहीं गया? अगर किसी के हाथ लग गया तो सब खत्म। क्या हो गया? मामा कहाँ है? मामा तो पर रेडी हो रहे हैं, क्या हो गया? अरे नव्या प्लीज वो फूल पकड़ाना। आई एक मिनट ना बेबी। सियाना कम कम कम, आइसक्रीम। ये ये देखो आपके लिए आइसक्रीम। ये क्या है? आधा साइन किया हुआ चेक, वो भी आधी के नाम का। ये क्या चक्कर है बॉस? पापा ये तो मामू का है, ये तो मामू के जेब में से गिर गया था। तो मामू को मैं दे दूंगा। ससुर जी आधा साइन करके चेक आधी को क्यों देंगे? मामा का बहुत इम्पोर्टेंट पेपर गिर गया था, उसमें मामा का नाम भी लिखा है, आपने कहीं देखा? नहीं मामू, मैंने नहीं देखा। कहाँ जा सकता है? तो ये मामला है बेटा। बिहारी लाल की जय, सरस्वती माता की जय। आज वसंत पंचमी के उत्सव पे हम सरस्वती माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ज्ञान, सद्बुद्धि और समृद्धि दे। एक मिनट आदि।
ये क्या है? देखो, मुझे पता होता ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा तो, पर अगर अब वो फेक साइन वाला चेक मम्मी पापा के हाथ लग गया तो पता नहीं क्या होगा। आदि क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक यू मम्मी। खूब मेहनत करो, तरक्की करो। थैंक यू पापा। पापा जी ने ये पैसे आदि को जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने के लिए दिए, तो आशीर्वाद लेना तो बनता है ना? बंसी वाले हमारे आदि को सम्मति दे ताकि ये खूब मेहनत करके दिल लगा के काम करे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और जल्द ही इन रुपयों को दुगना कर दे। पता नहीं कहाँ गिर गया वो चेक मुझसे, कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के हाथ लग गया है, पर किसके? तुम सिर्फ मेकअप करते रह जाओ और तुम्हारा भाई 25 लाख उड़ा लेंगे, यही हाल रहा ना, तो तुम्हारे पापा पूरी दौलत उड़ा देंगे आदि पे, और बेटी और जमाई के हाथ में आएगी आरती और जाकर आता। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, आप बस देखते जाइए। वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, रोको अपने पापा को, वो भी जल्दी। जय सरस्वती मैया की जय।